दोस्तों डॉक्स टोकन को लेकर सारी अपडेट्स आपके लिए हम इस वीडियो में लेकर आए हुए हैं, चाहे वो बाइनेंस पर डिपॉजिट करने को लेकर हो, इसके अलावा एड्रेस बदलने को हो। अगर आप बायबिट और बिटगेट का एड्रेस डाल चुके हैं, किस प्रकार से आपको एड्रेस बदलना है और क्या आपको एड्रेस बदलना चाहिए, बाइनेंस पर लिस्ट कब होगा, क्या टाइम होगा, इसके अलावा क्लेम का ऑप्शन जो है वो यहाँ पर अभी भी आ रहा है लेकिन टाइमिंग जो है क्लेम का वो बदल चुका है। टोनकीपर यूजर्स के लिए आपको क्लेम कब होगा टोकन्स, आपको डिपॉजिट कब होने वाला है, सारी डिटेल्स में यहाँ पर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा बाइनेंस पर अवेलेबल हुआ है तो क्या आपको इसे होल्ड करना चाहिए या फिर सेल कर देना चाहिए, इसका प्राइस यहाँ पर क्या शो हो रहा है ऑफिशियली, वो काफ़ी अच्छा दिखाई भी दे रहा है। मतलब इस प्राइस लेवल पर अगर आता है तो जो हम यहाँ पर $100 लेकर बैठे हुए थे, ऑलमोस्ट यहाँ पर $600-$700 हमको मिल सकते हैं। मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन जो शुरुआत में थी कि $500 ये एयर ड्रॉप देकर जाएगा, उतनी यहाँ पर अब पूरी हो सकती है। लेकिन सबसे पहले टेलीग्राम से कनेक्टेड नहीं है तो जुड़ जाइए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन हो जाइए कंपलसरी, क्योंकि हर एक टास्क का इंस्टेंटली, चाहे वो नाइट हो चाहे वो इवनिंग हो, आपको वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप यहाँ पर एयर ड्रॉप से जुड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं। यहाँ पर आप देखिए इसको लेकर जो इसके टाइमिंग है, इसको लेकर अपडेट टीम ने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। डॉक्स की टीम ने आज मॉर्निंग में अपडेट प्रोवाइड किया है कि एक्सचेंजेस और टेलीग्राम वॉलेट पर ऑलरेडी 8 मिलियन यूजर्स हैं जो यहाँ पर वेरीफाइड है, जिन्होंने अपने टोकन्स को डिपॉजिट कर लिया है। अब यहाँ पर नया क्लेम का ऑप्शन अवेलेबल हो चुका है, इस वजह से यहाँ पर ये इनफ टाइम देना चाहते हैं, तो इन्होंने अपनी TG डेट को, मतलब टोकन जनरेशन इवेंट को, यहाँ पर एक बार फिर से बदल दिया है। और ये लास्ट बार बदला हुआ, अब यहाँ पर नहीं बदलेगी, मतलब ये तीसरी बार हो रहा है, 2 बार इससे पहले बदल लिया। लेकिन अब बदलने का रीजन आप सभी जानते हैं कि बाइनेंस दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज, इसने यहाँ पर इसे अवेलेबल कर दिया और लिस्टिंग से पहले ही आ चुका है, बहुत अच्छी बात है। अब क्या हो रहा है कि क्लेम टू एक्सचेंजेस एंड टेलीग्राम वॉलेट विल रिमेन ओपन, जो अभी आप कर रहे हैं क्लेम, एक और ऑप्शन ऐड हो चुका है, कुछ और यहाँ पर ऐड हो जाएंगे और ये 23rd of August 4 PM UTC टाइम के अनुसार यहाँ पर तब तक ये ओपन रहने वाले हैं। मतलब 23 अगस्त जहाँ पर ये लिस्ट होने वाला था और यहाँ पर हम नाइट की बात कर रहे हैं, ऑलमोस्ट यहाँ पर ये 9:30 बजे के आसपास तक ओपन रहने वाला है जो एक्सचेंजेस और टेलीग्राम वॉलेट में क्लेम कर रहे हैं उन यूजर्स के लिए। अब हम जैसे यूजर जो यहाँ पर नॉन कस्टोडियल वॉलेट टोनकीपर वाले हैं, उनके लिए 26th of August मतलब लिस्टिंग डे जो यहाँ पर 8 AM है, मतलब लगभग यहाँ पर 1:30 बजे 26th of August को हमारे लिए यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा, नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स वाले जितने भी यूजर्स हैं इनके लिए ओपन हो जाएगा। और यहाँ से हमें मिलेंगे ऑलमोस्ट 4 घंटे, मतलब लिस्टिंग कब होने वाली, लिस्टिंग का टाइमिंग जो है वही रहेगा, डेट यहाँ पर बदल चुकी है, 26 अगस्त को यहाँ पर ये लिस्ट होगा लेकिन शाम 5:30 बजे 23 अगस्त को नहीं होने वाला है। तो ये टाइमलाइन को आपको ध्यान में रखना है इस चीज़ को, क्योंकि अब आप कैसे किस प्रकार से क्लेम करेंगे वो आप यहाँ पर समझ गए होंगे। अब बाइनेंस के द्वारा यहाँ पर आप देखिए लिस्ट किया जाने वाला है, तो यहाँ पर जो प्राइस शो हो रहा है वो काफ़ी शानदार नज़र आ रहा है, $0.0065 पर यहाँ पर ये शो कर रहा है। ऑफिशियली ये जो इमेज है वो शेयर की गई है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर ये कोई फेक इमेज है। तो अगर इस प्रकार के प्राइस पर ये आ जाता है तो आप कैलकुलेट कर लीजिए आपके जो टोकन्स हैं उनका प्राइस कितना जा सकता है, मतलब प्रॉफिट कितना आपको हो सकता है। 1 लाख टोकन अगर आपके पास है तो ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको $650 इस कॉइन से मिल सकते हैं, इस एयर ड्रॉप से मिल सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ एयर ड्रॉप्स को मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, स्पेशली अब तो यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया होगा कि बाइनेंस जैसा एक्सचेंज है वो डॉक को सपोर्ट कर रहा है। तो एक और प्रोजेक्ट है जिसके बारे में हमने यहाँ पर बताया हुआ है, जो कहीं ना कहीं डॉक के द्वारा बेक किया जा रहा है। अब डिपॉजिट का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हो गया है, किस प्रकार से आपको डिपॉजिट करना है पूरी प्रोसेस में बता देता हूँ। तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन के ऊपर आ जाना है, जैसे ही आप डॉक्स की एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, अगर आपने बायबिट या बिटगेट का डाला हुआ है तो भी यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन इनेबल है, ऐसा नहीं कि आपको वो ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। जैसे ही आप डिपॉजिट पर जाते हैं यहाँ पर आप देखिए कंटिन्यू करना एक्सचेंज पर, ये बाइनेंस के ऊपर आपको देखने को मिलेगा अप टू 20,000 डॉक्स ऑन TG। अब एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ फिर से, यहाँ पर ये जो 20,000 डॉक्स आपको शो कर रहा है ये सबको मिलने वाले नहीं हैं, ये यहाँ पर शुरुआती 5 लाख ऑलमोस्ट ऐसे यूजर्स हैं जिनको यहाँ पर ये मिलने वाला है। मतलब अगर आप ये सोच रहे हैं कि सबको ये मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, इसका आप यहाँ पर इंतजार करें। अदरवाइज यहाँ पर आप ये सोचेंगे कि सबको मिलने वाला है, और ऐसे यूजर्स को मिलने वाला है जो यहाँ पर पहली बार इनके प्लेटफॉर्म का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर आप पहली बार यूज़ कर रहे हैं, अभी आपने अकाउंट बना हुआ है, तो आपको यहाँ पर ये मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार का ऑप्शन जो है वो शो होता होगा, अगर आप यहाँ पर दूसरा एड्रेस डाल कर बैठे हुए हैं चूज़ अनादर ऑप्शन का, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का यहाँ पर आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। बाइनेंस पर जाना है और सेम टू सेम जैसा अभी हमने शो किया, आपको एड्रेस की रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा आपको लगने वाला है मेमो, जो आपको कहाँ पर मिल जाएगा, बाइनेंस की एप्लीकेशन पर। तो सीधे बाइनेंस की एप्लीकेशन आप ओपन कर लें, जैसे ही आप यहाँ पर बाइनेंस की एप्लीकेशन को ओपन करते हैं आपको जाना है वॉलेट सेक्शन पर, जो नीचे की साइड 5th नंबर पर है, वॉलेट्स पर जाएंगे। इसके बाद आपको जाना है यहाँ पर डिपॉजिट जो लिखा हुआ है इसके ऊपर,
डिपॉजिट पर जाने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर की साइड सर्च करना है डॉक्स, यहाँ पर आप डॉक्स सर्च कर ले लिखकर। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर डॉक्स सर्च करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिपॉजिट डॉक्स का ऑप्शन अवेलेबल हो गया है। अभी आपसे नेटवर्क चूज करने का बोल रहा है, एक ही नेटवर्क है, इसको आपको चूज कर लेना है। हमने यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर ये क्या कह रहा है, बोथ मेमो एंड एड्रेस आर रिक्वायर्ड। यहाँ पर मेमो और एड्रेस दोनों की रिक्वायरमेंट होने वाली है अगर आप सक्सेसफुली डिपॉजिट करना चाहते हैं डॉक्स को बाइनेंस के ऊपर। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट कर लेना है, ये एड्रेस यहाँ से कॉपी कर लीजिए, ये जो मेमो है इसे यहाँ से कॉपी कर लीजिए, दोनों को कॉपी कर लेना और फिर से आपको आ जाना है यहाँ पर डॉक्स की एप्लीकेशन पर। जैसे ही आप डॉक्स की एप्लीकेशन पर आएंगे, अभी आपको हमने शो कर दिया, इन दोनों को कॉपी करने के बाद आपको फिर से यहाँ पर उसी प्रकार से प्रोसेस कंप्लीट करना है। अगर आप पहले से दूसरा एड्रेस डालकर बैठे हुए हैं तो चूज अनदर ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लें, अदरवाइज यहाँ पर आप बाइनेंस जो है वो डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर डिपॉजिट एड्रेस डाल दीजिए, यहाँ पर मेमो डाल दीजिए, उसको सेंड कर दीजिए, उसके बाद ये आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बाइनेंस पर डिपॉजिट ले सकते हैं। अब ये सवाल आ रहा है, बाइनेंस पर डिपॉजिट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? लेने में कोई दिक्कत की बात नहीं है, और मुझे लगता है जिस प्रकार से यहाँ पर एक और न्यूज़ आ रही है वो भी आपको यहाँ पर मैं शो कर देता हूँ। वो न्यूज़ यहाँ पर किससे रिलेटेड है? वो न्यूज़ यहाँ पर रिलेटेड है बाइनेंस की तरफ से ही, जो बाइनेंस ने यहाँ पर अपनी टाइमलाइन में शो किया हुआ है। कल ही हमने आपको अवेलेबल करवा दिया था कि यहाँ पर बाइनेंस जो है वो ये कह रहा है कि हम पहले एक्सचेंज होने वाले हैं जो यहाँ पर इसको अवेलेबल करने वाले हैं। यहाँ पर आप देखिए इन्होंने लिखा हुआ है, बाइनेंस विल बी द फर्स्ट प्लेटफॉर्म टू लिस्ट द टोकन मेंशन। बाइनेंस पहला एक्सचेंज है जो यहाँ पर इस टोकन को लिस्ट करने वाला है जो नीचे मेंशन किया गया है। तो इसी वजह से यहाँ पर लग रहा है कि जो दूसरे एक्सचेंजेस है उनकी भी टाइमलाइन बढ़ने वाली है। जैसा कि यहाँ पर अपडेट आ चुका है, टोकन 23rd of August को मिलेंगे, टीम की तरफ से ऑफिशियली आ चुका है, तो सभी एक्सचेंजेस का जो टाइमर है वो अब बढ़ने वाला है। तो चिंता की बात नहीं है, सभी एक्सचेंजेस जिन्होंने भी यहाँ पर टाइम वगैरह बताया हुआ है वो सभी एक ही टाइम पर इसे अवेलेबल करने वाले हैं। जो अब यहाँ पर और ज़्यादा डिले हो रहा है, मतलब अभी अगर आप उनका टाइमर देखेंगे तो वो बदल जाएगा, वो 26 अगस्त तक चलने वाला है। तो यहाँ पर आप बाइनेंस पर भी ले सकते हैं, इसके अलावा बायबिट बिटगेट भी अच्छे ऑप्शन है। प्राइस वगैरह की बात करें तो प्राइस देखने वाली बात है किस पर कितना ज़्यादा रहेगा, हो सकता है बिटगेट पर भी ज़्यादा हो जाए। तो यहाँ पर टोन कीपर वाले भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको वेट करना है तो आप करते रहिए जैसा हम भी यहाँ पर कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टोन कीपर वालों के लिए जो क्लेम का ऑप्शन है वो तब अवेलेबल हो जाएगा, तब हम कर सकते हैं। अब एल बैंक की तरफ से एक अपडेट आया हुआ है जो यहाँ पर उन्होंने शेयर किया हुआ है, और वो रिलेटेड है यहाँ पर डॉक्स की टीम की तरफ से जो अपडेट आया था उसके बाद। मतलब डॉक्स ने यहाँ पर जब ऑफिशियली ये कहा हुआ है कि एक स्कैम है जो यहाँ पर एल बैंक कर रहा है, तो इन्होंने क्या कह दिया कि यहाँ पर ये ऑफिशियली लॉन्चिंग नहीं हुई है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं ऑफिशियली इसे लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने काफ़ी सारी अपडेट इसको लेकर दे दिए। आप देखिए यहाँ पर क्या कहा हुआ है, एल बैंक हैज नॉट लॉन्च्ड और पार्टनर्ड विथ एनी फेक डॉक टोकन्स। यहाँ पर एल बैंक के द्वारा किसी भी डॉक्स टोकन को लिस्ट नहीं किया गया है, लेकिन इससे पहले यहाँ पर इन्होंने सीधा सा इसे लिस्ट कर दिया था। प्री मार्केट वगैरह तो ये करते ही नहीं है, लेकिन इसके बारे में यहाँ पर इन्होंने अपडेट दे दिया कि ये मार्केट में ही अवेलेबल हो। जब यहाँ पर इनकी टीम है डॉक्स की, तो इन्होंने यहाँ पर उसे क्लेरिफाई किया और अब एल बैंक यहाँ पर क्लेरिफिकेशन देता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर बहुत जल्द हमें बाइनेंस पर भी अवेलेबल होता हुआ नजर आएगा, सभी एक्सचेंजेस पर अवेलेबल होता हुआ नजर आएगा। कोई भी टास्क अपडेट आता है टेलीग्राम से कनेक्टेड रहिए, सारी अपडेट सारी जानकारी वहाँ पर मिल जाएगी। अब हम आपको मिलते हैं किसी अदर अपडेट के साथ। थैंक यू।